में बोल रहे कि ब्रह्म कुमारी को कि पतितों का यहाँ साथ मत लेना है, पतितों को साथ मत लेके आना। ब्रह्म कुमारी को क्या यानी जो मुरली में बोला है कि पतित को साथ मत ले लेके आना, ऐसा क्यों बोला है? बाबा तो आए हैं कि बाबा पतितों को पावन बनाने के लिए। हाँ मुरली में बोला है कि तो अभी तो बोल दिया नए को सामने नहीं लाना, अभी मुरली नहीं सुने। जो पतित है वो बाबा के सामने आना चाहिए। बाबा का परिचय देके सामने ला सकते, परिचय लेके जब परिचय पूरा मिल जाए, बच्ची हो जाए, बाबा का बच्चा बन जाए, जन्म ले ले, बाप का परिचय हो जाए, तो पुराना कहेंगे कि नया कहेंगे? तो गलत कहा बाबा ने, सही कहा? एडवांस में ही तो बाबा के सामने नहीं लाने की बात है, ब्रह्मा बाबा के सामने की बात थोड़ा ही बताई। एडवांस में जो बाबा है उसके सामने किसी नए को नहीं लाना है, वो चाहे ब्रह्मा कुमार हो लाने वाला या ब्रह्मा कुमारी हो। अगर ऐसे नए को बाबा के सामने ले आएंगे जिसको बाप का परिचय ही नहीं हुआ है तो क्या होगा रिजल्ट? पाप चढ़ेगा या पुण्य चढ़ेगा? पाप चढ़ जाएगा। बहुत हैं ऐसे जो खुद तो किसी को नहीं समझा पाते लेकिन खुशी बहुत चढ़ी हुई है, बाबा की श्रीमती याद ही नहीं रहती है, और बाबा के सामने ले जाएंगे तो इसका कल्याण हो जाएगा। भारत का जो राष्ट्रगीत है ना, जनगण मन अधिनायक जय है, हाँ, तो वो पूरा राष्ट्रगीत का बेहद में अर्थ समझाइए। क्या पूरी रामायण समझाएं? नहीं नहीं, उसमें जो बात आपको समझ में नहीं आई हो वो समझाई जाएगी, या पूरी भागवत कथा समझाइए? नहीं नहीं, कुछ उसमें जो वर्ड है ना, हाँ, जो वर्ड आपको समझ में ना आता हो वो बताइए। कुछ कुछ संस्कृत में जो शब्द है, संस्कृत के शब्द ही बताइए ना, माथा ही खराब हो गया। और मुझे भी बोला है कि योगी की विषय में ऐसा बोला है कि योगी पक्का योगी अगर उसने कहा योगी है तो इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एडवांस में इसका क्या है? मैं खा सकते हैं। अब आप अपने को पक्का योगी समझते हैं तो मछलियाँ खाना शुरू कर दो। वही तो बताया, जितना कायदा उतना फायदा। आप कायदा पक्का करना चाहते हैं या कच्चा करना चाहते हैं? मेरी चट्टो है गई जीव जले भी ले आला मुरिया। हाँ तो थोड़ी जीव लपलपानी लगती है, बहुत दिन हो गए। हाँ शरीर को बिना मांस मछली खाए शरीर कैसे चलेगा? थोड़ी जीव की चकाचौंध भी चाहिए ना। बाबा की याद में ले आए तो चलेगा? हाँ बाबा की याद में ले आएंगे तो उसका पाप खत्म हो जाएगा। तो बाबा की याद में शादी करना शुरू कर दो। अच्छा तो फिर अभी क्या कहा? पक्का योगी कौन है? अरे शिवो हम मत जाओ, सारी छूट हो जाएगी। मेरी मेरी पत्नी अभी तक नहीं हुई तो मुझे क्या दी होगी? मेरी बाप की पत्नी अभी तक हुई नहीं है तो दूसरों की कैसे होगी? मुरली में ऐसे बोला कि मेरी बन्नी ही नहीं बनी तो दूसरों की कैसे होगी?
हैं? ऐसे बोला? हैं? अरे किसी ने सुना क्या मुरली में ऐसा कोई वाक्य? मैंने मतलब है बाबा ने नहीं बोला, ये आपका मतलब है लेकिन बाबा ने नहीं बोला ऐसा। कहने का मतलब है हाँ जी, पहली बन्नी बाप की नहीं बनी है। पहली बन्नी कौन है? अभी सर बन्नी बाप की नहीं बनी है तो बच्चों की कैसी बनेगी? बाप ने बोला तब बाप को याद करके शादी कर लो, अभी बोला भी बाप को याद करके शादी कर लो, ऐसे बाबा ने बोल दिया है? बाबा ने अभी ऐसा बोल दिया कि बाप को याद करके शादी कर लो? बाप को याद करके भोजन खा लो, बाप की याद में भोजन बना लो, ये तो बोला, लेकिन बाप की याद करके शादी कर लो ये तो नहीं बोला। अभी तक ऐसे ही करते रहे क्या है? हाँ बाबा का पहले पहले कौन बनता है? अरे पहले नंबर में बाबा का कौन बनता है? रामबली आत्मा बाप की पहले बनती है। बनना साकार में होता है या निराकार में होता है? हैं? हाँ तो कौन बनता है पहले? जगदम्बा पहले बनती है, हैं? बन गई फिर बनी थी अब हाँ। और विष्णु प्रोग्राम में लिखा है विष्णु की कुंडली शक्ति प्रदर्शन चक्र है, विष्णु की कुंडली शक्ति प्रदर्शन चक्र है और शंकर की कुंडली शक्ति वीर भद्र और भद्रकाली हाँ। तो इसका विष्णु की कुंडली शक्ति सुदर्शन चक्र, शंकर की कुंडली शक्ति वीर भद्र और भद्रकाली, वीर भद्र हाँ। ऐसे कोई शास्त्र में है क्या? क्या प्रोग्राम का नाम क्या है? हैं? महादेव, उसमें क्या दिखाया फिर से बताना। वीर भद्र और भद्रकाली हाँ, हाँ। विष्णु का पार्ट किसका है? कौन सी आत्मा है जिसका पार्ट विष्णु का है खास? है लक्ष्मी का पार्ट है विष्णु का, ब्रह्मा सो विष्णु। तो अव्वल नंबर में जो ब्रह्मा है वो कौन है? प्रजापिता ब्रह्म है। पहले नंबर में प्रजापिता ब्रह्म बनता है, फिर पहले नंबर का ब्राह्मण कौन है? प्रजापिता ब्राह्मण भी है, प्रजापिता ब्रह्म भी है। अरे ब्राह्मण का बच्चा जो ब्रह्मा का बच्चा है वो ब्राह्मण कहा जाता है। तो प्रजापिता ब्रह्म भी है, ब्राह्मण भी है, कौन है? अव्वल नंबर का ब्रह्मा कौन है? हैं? कौन? जगदम्बा। अरे दो दो बातें बोल रहे हैं, छोटी माँ कैसे और बड़ी माँ कैसे? माने कोई तो हो ही जाएगी। बोले थे तो ब्रह्मा बाप और जगदम्बा हाँ, ब्रह्मा तो छोटी माँ के लिए। अब पंद्रह इंजन महीना हुआ, थोड़ा रुको। हाँ जब डिक्लेयर किया था बाबा ने तो ब्रह्मा के लिए छोटी माँ का डिक्लेयर किया था, तो अव्वल नंबर ब्रह्मा हो जाता है। हाँ ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा और जगदम्बा, ऐसे तीन चीज की। हाँ तो तीन चीज तो यही है ना। हाँ तो कुछ भी कारण नहीं है, छोटी माँ ब्रह्मा होगी, बाप तो राम बाप और जगदम्बा गीता माता। हाँ इसीलिए अव्वल नंबर ब्रह्मा छोटी माँ होगी। अरे जो अव्वल नंबर का ब्रह्मा होगा वही तो अव्वल नंबर का विष्णु बनेगा।
तो पहले नंबर में ब्रह्मा कौन है? पहले नंबर में ब्रह्मा कौन है? अरे हाँ, जिसने पहले ब्रह्मा को पैदा किया, किसने पैदा किया? सिर्फ सुनाने वाले ने पैदा किया या जिसने अनुभूति करा दी उसने पैदा किया? हाँ, त्रिवेदी से ही अनुभूति होती है। और हाँ, क्या बात थी वो बात पूरे पर पहले पूरी प्रश्न को फिर दो रहा की हाँ, बात समझिए समझिए। हाँ, अभी बदल। हाँ, तो विष्णु का पार्ट तो डिक्लेयर हुआ, विष्णु कौन है? हैं? छोटी मम्मी। तो जो छोटी मम्मी का जो स्वदर्शन चक्र उनको प्राप्त होता है वो कब प्राप्त होगा? आदि में, मध्य में या अंत में? आदि जब उनको प्राप्त हो गया सुदर्शन चक्र। अच्छा, मध्य में प्राप्त हुआ, क्षेत्र में? हाँ, अंत में प्राप्त होता है। तो जब उनको सुदर्शन चक्र प्राप्त होता है तो वो सुदर्शन चक्र ही प्योरिटी से भरा पूरा होने के कारण तीव्र गति से ऊपर चलता है। सच्चाई सफाई आगे बढ़ेगी या जहाँ सच्चाई सफाई में कुछ कमी है वो आगे बढ़ेगा? सच्चाई सफाई आगे बढ़ी, इसलिए विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाया है। वो सुदर्शन चक्र सच्चा सुदर्शन चक्र उसकी बुद्धि में है जिससे ढेर सारे देह अभिमानियों का गला कटता है। गला काटने का काम सुदर्शन चक्र करता है ना? तो सुदर्शन चक्र शंकर के हाथ में नहीं दिखाया है, किसके हाथ में दिखाया है? विष्णु के हाथ में सुदर्शन चक्र। हाथ कौन सा होता है? ये बुद्ध रूपी हाथ पवित्र हाथ है, उनके लिए सुदर्शन चक्र दिखाया। बाकी शंकर, शंकर मिक्स पार्ट है या शुद्ध पार्ट है? मिक्स पार्ट है। तीन आत्माएं हैं। कौन कौन सी तीन आत्माएं हैं? है ब्रह्मा की आत्मा है, राम वाली स्वयं की आत्मा है और शिव की आत्मा है। तो उसमें वीरभद्र कौन है? अरे राम वाली आत्मा तो स्वयं ही हो गई शरीरधारी। शरीरधारी का नाम पड़ता है शंकर या बिना शरीर के नाम शंकर पड़ जाता है? शरीरधारी का नाम चलता है। तो जिसमें, जिस शरीरधारी में तीन आत्माओं का पार्ट है सम्मिलित रूप से, वो शंकर कहा जाता है। है तो सूक्ष्म शरीरधारी भी वास्तव में, वो जब तक प्रवेश न करे तो शंकर प्रत्यक्ष हो ही जाए नहीं, शंकर कहा ही नहीं जाएगा। तो वीरभद्र कौन हुआ थे? है ब्रह्मा वाली आत्मा। जब तक बाप बच्चे को आगे न करे, बच्चे की सुरक्षा न करे, बाप किस आगे बढ़ना चाहता है खुद या बच्चे को अपने से आगे बढ़ाना चाहता है? बच्चे को आगे बढ़ाना चाहता है। वो हुआ वीरभद्र और भद्रकाली। भद्रकाली किसका पार्ट है? जगदम्बा। तो भद्रकाली है वो कल्याणकारी काली का पार्ट हो जाती है। कल्याण का पार्ट कब कहा जाएगा? बाप की बनेगी तब कहा जाएगा, या बाप की बनी नहीं है, बाप के डायरेक्शन पर नहीं है, अपने तरीके से है तब कहा जाएगा? हाँ, तब कहा जाता है भद्रकाली। इन दोनों आत्माओं को जब तक आगे ना बढ़ाया जाए, ये जिम्मेवारी किसकी है? और पहले नंबर में जिम्मेवारी किसकी है? अव्वल नंबर ब्राह्मण की है या द्वयम स्वयं तीसरे या सौवे नंबर के ब्राह्मण की है? जो अव्वल नंबर के ब्राह्मण की है उसकी बुद्धि में बैठता है, माता गुरु को आगे रखना है।
और बच्चे को भी, बच्चे को भी आगे रखना। तो ये दो आत्माएं इनके द्वारा ही सारा परिवर्तन का कार्य हो रहा है। और लक्ष्मी की पूजा करते ना करम रखते दीपावली पर महालक्ष्मी दीपावली पर पूजी जाती है। मार्गशीर्ष महीने में, मार्गशीर्ष महीने में माघ महीने में हाँ महालक्ष्मी की पूजा करते हैं गुरुवार के दिन रहता है यहाँ महाराष्ट्र में। अच्छा दोनों का झगड़ा है तो वो निकल के जाती घर से जाओ खूब प्रस्तुत किए जाओ अपमान लक्ष्मी का अपमान करते हाँ। आप जब एडवांस में आए थे तो आपने लक्ष्मियों का अपमान किया था कि नहीं, आपने डुबीजा डुबीजा किया कि नहीं है? अरे किया या नहीं किया ए? और स्वप्न पड़ा भाई बाबा है उसके राइट साइड में कृष्ण की आत्मा है कृष्ण दिखा और लेफ्ट साइड में क्राइस्ट की आत्मा है उनका बेस में क्या है? उनमें जो सच्चा पार्ट है वो कौन है और झूठा पार्ट है डुप्लीकेट कौन सा है? कृष्ण और क्राइस्ट की राशि तो मिलाई जाती है, मिलाई जाती है ना? तो दोनों पार्टधारी हैं, उनमें राइटियस कौन सा है और लेफ्टिस्ट कौन सा है? कृष्ण का राइटियस है और क्राइस्ट लेफ्टिस्ट है। वो विनाशकारी है और वो स्थापनाकारी है। हाँ राम वाली आत्मा कहाँ बैठी हुई है? विष्णु को दिखाते हैं और ऊपर में उसका मणि चमक रहा है हाँ। और नीचे उसके माथे पे ज्ञान सूर्य बाबा की ओर सूर्य दिखाई दे रहा है। नीचे कहाँ विष्णु के माथे पे क्या क्या मगरा है? सूर्य हाँ। और जो ऊपर में जो नाग है ना उसके मणि दिखाई दे रहा है उसके मगरा हाँ। आत्मा मणि होती है, सूर्य शिव है और विष्णु का पार्ट किसका है वास्तव में? शिव बाबा विष्णु बनता है, है? राम वाली आत्मा जो है वो ही विष्णु है। माने ब्रह्मा के चारों भुजाओं को या विष्णु की चारों भुजाओं को चलाने वाली है। इसलिए विष्णु जिसे दिखाया है उसके मस्तक में ज्ञान सूर्य शिव प्रवेश है। और जो राम वाली आत्मा जब राम के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है तो उस समय वो आत्मा जो सर्प के रूप में दिखाई गई है वो बलराम की आत्मा है। शेषनाग की आत्मा है, वो शेषनाग की आत्मा में मणि माने आत्मा की मणि दिखाई गई है। आत्मिक स्थिति में जब स्थित हो जाता है तभी वो रक्षा करता है। और मनुष्य आत्माओं का लक्ष्य दिया है लक्ष्मी नारायण में। 1976 डॉक्टरी की पढ़ाई होती है, डॉक्टरी की पढ़ाई की जब परीक्षा होती है
तो अब्बल नंबर में पास होने वाला कोई तो होगा, वो डॉक्टर बनेगा। फिर डूबते दूसरे डॉक्टर तक निकले डॉक्टर, तो यही बन गया। बाकी हम क्या बनेंगे, ऐसे हो सकता है? अरे जैसे पढ़ाई पढ़ेंगे वैसे ही तो बनेंगे, लक्ष्मी नारायण जैसे भी तो बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? बन सकते हैं। हाँ, मनुष्यात्मा का लक्ष्य तो लक्ष्मी नारायण बनना है। हाँ, परंतु जो सृष्टि का बीज है, हाँ, उनको शिव समान स्टेज धारण करना भी है। हाँ, शिव समान स्टेज भी धारण करना है। हाँ, लक्ष्मी नारायण पद तो ठीक है। हाँ, उसके आगे तक उनको जाना शिव समान स्टेज धारण करना। हाँ, तो ये जो हमने डबल लक्ष्य दिया संसार में, शिव ज्योति बिंदु पार्ट बजाने के हिसाब से उच्च पार्ट है, या और आत्माएं जो ज्योति बिंदु है वो उच्च पार्ट है, या शिव की आत्मा ब्रह्मा के द्वारा कहती है मैं तो उसे तो ब्रह्मांड का मालिक बनता हूँ, तुम तो त्रिलोकी नाथ बनते हो, तो ऊंचा पार्ट किसका हुआ? नंबर वन बच्चे का हो गया। हैं? नंबर वन बच्चे का हो गया। हाँ जी, जो बच्चे को लक्ष्य है कि जब तक बच्चे को आगे नहीं बढ़ाएंगे, जलते हुए घर से बाहर नहीं निकालेंगे, तब तक तुम बाप बाप प्रत्यक्ष नहीं हो सकते संसार के सामने। ऐसे ही जो लक्ष्य देने वाला है आत्मा, वो स्वयं उस बात को फॉलो नहीं करेगी, करेगी ना? इसलिए मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो तो प्राप्त हो चुका है, परंतु बाप बच्चे में अभी तक पास हुए नहीं है। हैं? बाप जो होता है, जैसे बच्चे को संपन्न करना ये बाप का पहला कर्तव्य होता है, तो वो कर्तव्य अभी तक अधूरा रहा हुआ है। अधूरा होने लेकिन बुद्धि में तो बैठ गई बात के, पहले मुक्ति चाहिए या जीवन मुक्ति चाहिए? पहले क्या चाहिए? मुक्ति चाहिए, तो परमनाम बाकी निराकारी तुमको पहले बनाएगा। पहले आत्मा निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनेगी या देवता बनेगी? क्या बनेगी? हैं? परम पद कौन सा है? पद परमधाम में बनते हैं या परमनाम से आत्मा इस सृष्टि पर आती है तब पद बनते हैं? और जो पद डिक्लेयर होते हैं वो स्वर्ण संगम युग में डिक्लेयर होते हैं या सतयुग में डिक्लेयर होंगे? तो जो शिव ज्योति बिंदु है वो आप समान पहले बनाकर, आप समान बनाकर नंबर वार आत्माएं परमधाम में निराकारी स्टेज में प्रवेश करती है, और जिस नंबर से प्रवेश करती है उसी नंबर से नीचे सृष्टि पर जब आवेंगी तब उनको कहा जाएगा परम पद धारी नंबर वार। इसलिए गीता में भी ये श्लोक आए हैं, तीन प्रकार की आत्माएं हैं, क्षर और अक्षर। कौन श्रेष्ठ है? अक्षर। क्षर माने क्षरित होने वाला, नष्ट, वो गिरने वाला, नाश होने वाला। तो जितनी भी मनुष्य आत्माएं हैं सबका क्षरण होता है, सब नीचे गिरती है। फिर एक ऐसी आत्मा है जो कभी क्षरित नहीं होती, अच्युतम नाम रखा गया, अच्युतम के शवम नाम नारायण, च्युत माने नीचे गिरना, ऊपर से नीचे ढक जाना। तो अच्युत कौन हुआ? सब तो ऊपर से नीचे ढलक जाते हैं, कोई ऐसी आत्मा है जो नीचे नहीं ढलकती?
है? हाँ, राम वाली आत्मा सती के आदि में भी विष्णु है, जो आदि में तो अंत में, तो तीन प्रकार की आत्माएं हो गई। एक अक्षर है शिव ज्योति बिंदु, एक अक्षर है जो भी 500 करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन एक श्लोक जो अंतिम श्लोक है तीसरा, उसमें बताया उनसे भी उत्तम वो आत्मा है जो क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम पात्रधारी है। वो कौन है? इसलिए मुरली में बोला कि मैं तो कैसे ब्रह्मांड का मालिक हूं और तुम त्रिलोक की नाथ तो हो, तीनों लोगों की नाथ तो। जो जीवन शिव समय बनने में जो लगता है समय, हाँ, और उसमें जो शरीर रूपी रस को जो लचीलापन आता है, और नारायण बनने के स्थान में शरीर के शिक्षक का जो लचीलापन है उसमें शिव बनने के लचीलापन तो ज्यादा है ना। जिस नंबर में निराकारी बनेंगे, शर्त क्या है? जो योगी जीवन है उसकी शर्त क्या है? पतित से क्या बनना है? जब तक पावन नहीं बने हैं तब तक प्राप्ति नहीं हो सकती मुक्ति, जीवन मुक्ति की। तो जिस नंबर में पावन बनेंगे, पावन माने निराकारी, देवान खत्म, उसी नंबर से नई दुनिया में आने वाले बनेंगे, पद बन जाएगा। 500 करोड़ पाठधारी तो है ना, सबके अपने अपने पद हैं, एक जैसे हैं। 500 करोड़ की माला तो है ना, माला में सब मण के ऊपर हैं या नंबर वार ऊपर नीचे हैं? तो ये हिसाब है, जिस हिसाब से मुक्ति पाएंगे उसी हिसाब से जीवन मुक्ति में आ गए। बाकी ये नहीं कहा केवल ने, कि तुम्हारे समान बनाऊंगा। क्या करना है बाप को? बाप को सिर्फ आप समान बनाना है। और शास्त्रों में जो गायन है, शिव धनुष को राम ने तोड़ा तो उसका बाबा ने क्लेरिफिकेशन दिया था कि वो धनुष जो है वो शरीर उसी तक ब्रह्मा बाबा का यादगार है, जिसके पुरुषार्थी लचीलेपन को वो पार कर गया। हाँ, प्राप्त कर दिया, तोड़ दिया। हाँ, लेकिन बाबा उसको शिव का धनुष कैसे कहा जाएगा? सेवक सेवक उसको तैयार नहीं करता है? तैयार तो करता है, परंतु शिव का जो मुकरण स्वरूप जो होता है, हाँ, मुकरण स्वरूप वास्तव में सेवक तब है जब वो मुकरण स्वरूप में है, तभी तो शिव है। मैंने क्षेत्र से सेवा है, उससे पहले सेवक था ही नहीं, सेवक था या नहीं था? ज्ञानियों की दृष्टि में सेवक क्षेत्र से हुआ या सत्य से ही है, मैंने पता नहीं चलता है। लेकिन जो शिव है वो संशक्ति से ही है, वो शिव ने कोई साकार में आकर के साक्षात रूप धारण किया, भले किसी ने नहीं पहचाना। फिर उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ प्रहारी कौन हुआ, प्रत्यक्ष कौन हुआ? जगदम्बा प्रत्यक्ष हुई, लक्ष्मी प्रत्यक्ष हुई, या कृष्ण वाली आत्मा प्रत्यक्ष हुई? सबसे वाली आत्मा बोई रथ हो गया, बोई धनुष हो गया। हाँ बाबा, बाबा जी है, आत्मा रूप की वस्तु को आपका दुखता है। हाथ उठाना। हाँ बाबा धोती है, आत्मा रूप की वस्तु को बाबा धोता है, तो आत्मा रूपी वस्त्र होते हैं, वस्त्रों को बाप धोता है। हाँ, तो ये धोबीराज बहत्तर वर्ष से करता रहे, ऐसे बोला है, बहत्तर वर्ष से करता रहे। हाँ, तो बहत्तर वर्ष कैसे लगते? आज से ही
ये धोबी घाट चला आता है तो आज में क्या वस्त्र नहीं धोए गए? झगड़ा किस बात से होता है यज्ञ में? अरे क्राइस्ट आया तो क्राइस्ट के जीवन में झगड़ा किस बात का हुआ? मूल कारण क्या था? तो यज्ञ के आदि में भी जो झगड़ा हुआ था, जो अब झगड़ा हो रहा है, वो ही मूल कारण सब था। मुरली जब चली उस वक्त तो बात कर सब कैसे होती है? तीस साल हुए होंगे। जब मुरली चलाई गई तो 30-35 साल हुए होंगे। बहत्तर साल बोल रहे हैं ना? बहत्तर साल मुरली कहाँ चली? बहत्तर साल से पहले बाबा मुरली कहाँ चलाते थे? नहीं नहीं मुरली में आया है क्या? धोबी घाट 72 साल से चलता है। हाँ धोबी घाट चलता है यार 72 साल से। कहाँ से पकड़ेंगे? 69 में मुरली चली। हाँ 69 में मुरली चली। 69 तक 18 जनवरी तक ब्रह्मा के द्वारा मुरली चली। हाँ माने सन 27 से पहले। आप क्या समझते हैं कि सन 27 से ही, सन 47 से ही धोबी घाट था? उससे पहले धोबी घाट नहीं था? मुरली में 72 साल बोले तो 72 साल तो 36 से शुरू हुआ ना, तो 2008 होते क्या? 2008 तक 72 साल हो जाते। क्या हुआ? मुरली में बोला है। हाँ धोबी घाट 72 वर्ष से चला आया। हाँ जब ये मुरली चली हुई है, चली है तो 36 से लेकर के 2000 तक, 2006 तक कितने साल हुए? 70 साल हुए और 2-3 साल और जोड़ दो। हाँ तो पहले मालूम कैसे पड़ेगा फिर? क्या पहले कैसे मालूम पड़ेगा? पहले ही कैसे बोल दिया? 72 साल पहले कैसे बोल दिया? 72 साल हुए पहले कहाँ कहा गया? 72 साल पूरे हुए उसके बाद ही तो कहा गया। नहीं नहीं मुरली में आया मुरली तो रिवाइज मुरली है। जो भी वो बस तो बना देते हैं छापते समय। तो 72 साल अरे ये बेहतर बेहतर बोलने वाले ब्रह्मा कुमार हैं कि बाबा ने मुरली में बोला ब्रह्मा के द्वारा? मतलब वो गलत हो सकता है? गलत क्या के लिए हो सकता है? सन 70 की जो घोषणा थी उसमें एक एक साल बढ़ाते गए कि नहीं मुरली में? तो वो एक एक साल जो बढ़ाया है 10 वर्ष की घोषणा में, वो ब्रह्मा कुमारों ने बढ़ाया है या मुरली में बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने बोला? ब्रह्मा कुमारों ने बोला ऐसे ही है। 70-72 साल की भी बात है। और हाँ क्लियर नहीं हुआ क्या है? दिल मसोच के क्यों बैठ रहे? बोलो, वाणी बोलने के लिए होती है। बाबा मुरली है ना, साकार मुरली का है। 69 मुरली जो चली, हाँ उसी मुरली में लिखा हुआ है। उसी 69 से पहले की मुरली में 72 साल नहीं लिखे लिखा हुआ है उसमें? अच्छा उसमें नहीं लिखा हुआ है। पहले आता है गीता ज्ञान, पहले ज्ञान आता है गीता मुरली में। हाँ पहले आता है गीता ज्ञान, उससे निकले वेद। हाँ उससे वेद निकले, वेद। हाँ मुख्य वेद। हाँ फिर क्या वो कहेंगे आदि में जो गीता ज्ञान आया उस चीज के द्वारा गीता ज्ञान आया, और अभी जो बाबा रिवाइज करा रहे हैं उसमें जो जो मुझे में हाँ उसके बाद 47 से मुरली भी चली।
उसने जो पीयू ने जो वाणी चलाई थी सैतालीस से पहले चलाई होगी चलाई थी हाँ। उसमें गीता ज्ञान वो जो मुझे जो पॉइंट आए हैं वो गीता ज्ञान में आ गए थे। अरे सबसे पहले तो गीता ही तैयार होती है ना, तो गीता से पहले कोई और ज्ञान होता है क्या? जो होती है तो ही पहले आएगा ज्ञान, देने वाला अलग, जो ज्ञान दाता है उससे गति सदगति होती है या गीता से सदगति गति से होती है, तो कौन पहले है और कौन बाद में है? ज्ञानदाता पहले है, वो है गीता पति, और पत्नी जो गीता माता है वो बाद में है। और हाँ गीता तुम्हारा पंडा है, तुम्हारा पंडा गीता, तुम्हारा तुम्हारा पंडा गीता है हाँ, तो ये किसके लिए कहा है? असली गीता कौन है? अरे गीताएं भी तो दो हो गई, सच्ची गीता और झूठी गीता, ये झूठी कहाँ होती है? हैं? यहाँ झूठी हो रही है। और बाबा पंडा तो बाबा ने जैसे बताया कि शिव बाबा तुम्हारा पंडा है करके। हाँ हाँ शिव बाबा पंडा है, लेकिन पंडा की जो रास्ता बताने का काम कर रहा है वो किसके द्वारा कर रहा है? कोई द्वारा है, मीडिया है या नहीं है? कौन है मीडिया? ब्रह्म हाँ। और ब्रह्मा एक दो है नहीं, एक है कि नंबर वार ब्रह्म है? नंबर वार प्रजापिता ब्रह्मा में हाँ, और गीता ज्ञान देते हैं। हम पंडा कहते हैं सच्ची गीता को, जब हम पंडा कहते हैं शिव बाबा है और पंडा गीता है। सब बातें छोड़ दो, तुम्हारी बात हम समझ गए। ऊंच से ऊंच तीर्थ कौन सा है? रास्ता बताना कहाँ का है? कहाँ का रास्ता बताना है? है? अरे मुक्ति धाम का पहले रास्ता बताना है ना, तो हमारा तीर्थ कौन सा है? अरे माउंट आबू हमारा तीर्थ है, तो वहां हम कब जावेंगे? झूठी गीता तो निकल चुकी या नहीं निकल चुकी? सच्ची गीता निकलेगी या नहीं निकलेगी? जब सच्ची गीता निकलेगी तो पीछे पीछे 16,000 शहद की मक्खियां भागेंगी या नहीं भागेंगी? तो प्रत्यक्षता हो जाएगी कि नहीं? चल जाएंगे मुक्ति धाम या उससे पहले चले जाएंगे? है यही रहती है। और बाबा संकल्प चलना मना पतन होना, संकल्प चलना मना पतन होना, मनन चिंतन मंथन करेंगे, सुदर्शन चक्र घुमाएंगे तो बिना संकल्प के चला लेंगे। बिंदु रूप स्टेज में रहने से सुदर्शन चक्र चलता है कि आगे पीछे चलता है? बिंदु रूप स्टेज को सुदर्शन चक्र कहेंगे, या बिंदु जो बीज रूप स्टेज है उसमें से विस्तार रूपी वृक्ष निकलेगा संकल्पों का, तो उसे मनन चिंतन मंथन रूपी सुदर्शन चक्र कहेंगे। विस्तार होना मना पतन होना, तार को तार में जो प्योरिटी है वो विस्तार में जाएगी तो पतन तो आ जाना। बीज रूप में टिक गए, टिक गए वो स्टेज में, बीज रूप में टिक गए नहीं, नहीं टिक गए, तो जब नहीं टिक गए तो पतन ही होगा या उत्थान होगा? पतन होगा। समझो बीज रूप में है
हरिशंकर पर चल रहा है कहाँ बताओ कोई है उसके आगे की बात करो आगे की बात तब करो जब पहले हो जाओ आखिरी सीढ़ी की बात क्यों कर रहे समझो नारायण कैसे समझे कि आखिरी सीढ़ी में पद कदम पहले रख लेंगे कैसे समझे कि नारायण है ऊंचाई समझ में अभी तो बताया मुक्ति धाम से वापस आएंगे तब नारायण टाइटल होगा या बाद या पहले से ही हो जाएगा है? जो नारायण है वो परम पद है या आत्मा परम धाम में पहुंचेगी वो परम पद है नारायण जब बनेंगे परम धाम से जब आत्मा नीचे आवेगी तब परम पद होगा वो ऊंचे से ऊंचा पद है हाँ साकारी स्टेज है ऊंचे से ऊंची वो बीज है सारी सृष्टि का जो नर से नारायण बनता है अभी भी बाबा मना संकल्प से चलेंगे ना संकल्प तब तक चलेंगे जब तक हमारे 84 जन्म के पार्ट प्रत्यक्ष नहीं हुए कि पार्ट प्रत्यक्ष होने के बाद भी संकल्प चलते रहेंगे फिर कुछ पाने के लिए रह गया क्या पाना था तो पा लिया अच्छा ये संकल्प जो चलते ये हमारे में जो प्रवेश करते हैं कुछ जनता है उस पर जरीदारी जो है हमारे में प्रवेश करते हैं ना वो कितने प्रवेश करते हैं नंबर वन प्रवेश करने वाली जो आत्माएं प्रवेश करती हैं वो कितने प्रवेश करती हैं उनकी कोई निशानी है बीज रूप हाँ जो बीज रूप स्टेज में स्थिर नहीं हो सकते उन्हीं में दूसरी सोल प्रवेश करती है जो एक सेकंड में बीज रूप स्टेज धारण कर सकते हैं उनमें दूसरे धर्म की आत्माएं प्रवेश नहीं कर सकती सूक्ष्म शरीरधारी सूक्ष्म शरीरधारी माने दूसरे धर्म की आत्माएं जो अपने धर्म के भी है समझो हाँ कृष्ण वाली आत्मा है और मुकुर रथ में प्रवेश करती है तो संकल्प चलाने के लिए निमित्त बनाती होंगी वो विधर्मी आत्मा है या सुधर्मी आत्मा है सुधर्मी थे? वो संकल्प चलेंगे ना संकल्प चलाने वाली ब्रह्मा की सोल है और वो संकल्प शुद्ध चलाएगी या अशुद्ध संकल्प चलाएगी शुद्ध संकल्प चलाएगी अधूरा है तो जिस आत्मा में ज्ञान परिपूर्ण होगा वो शुद्ध संकल्प चलाएगी या अधूरा ज्ञान होगा तो शुद्ध संकल्प चलाएगी पूरा ज्ञान होगा तो शुद्ध संकल्प चलेंगे पूरा ज्ञान नहीं है तो संकल्प भी अशुद्ध चलाने के निमित्त बनेगी आत्मा पूरा ज्ञान होना माना बीज रूप स्टेज में रहना बिल्कुल एक सेकंड में बीज रूप स्टेज अब बाबा ने क्या प्रैक्टिस करने के लिए बोला बाबा ने तो एक सेकंड में निराकारी एक सेकंड में आकारी एक सेकंड में साकारी जब चाहो तब साकारी बनो साकार कर्म इंद्रियों से कर्म करो और उसी समय ईश्वरीय सेवा का कोई विशेष महत्वपूर्ण काम लग जाए तो एक सेकंड में त्याग दो साकारी स्टेज मनन चिंतन स्टेज में आ जाओ या तो बीज रूप स्टेज में आ जाओ उसको संपूर्ण योगी कहेंगे या संकल्पों को रोकना चाहे इंद्रियों को रोकना चाहे और इंद्रिया कहीं नहीं धड़ाधड़ धड़ाधड़ अपना काम करती चली जाए उसको संपूर्ण स्टेज कहेंगे संपूर्ण स्टेज उसे कहेंगे अभी अभी भोगी और अभी अभी एक सेकंड में योगी निराकारी आकारी और साकारी इसे परिवर्तन करने में एक सेकंड से ज्यादा न लगे
कुंडलिनी शक्ति जागरूक होना बाबा, हाँ, तो ये शक्ति चैतन्य होंगी और उसके साथ रुक जाओ, कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो ऊपर जाती है ना, जब सांसारिक भोग भोगते हैं, काम वासना भोगते हैं, तो शक्ति नीचे जाती है या ऊपर जाती है, है? नीचे जाती है, जिसकी शक्ति नीचे जाती रहे उसे अमोघ भी कहेंगे, ये शक्ति नीचे जाने ही ना पाए, इच्छा करे कि पूरा भोग भोगे लेकिन भोग ही ना सके, ऐसी शीतल कर्म इंद्रियां बन जाए तो भोगी हुआ कि योगी हुआ, योगी हुआ, उसकी शक्ति मस्तक में चढ़ेगी या नीचे जाएगी, मस्तक में जाएगी, वो रजनी की जो शक्ति है स्त्री पुरुष में वो ऊपर चढ़ना माना कुंडलिनी शक्ति जागृत होना, और शक्ति नीचे जाना माना खत्म, पांच मार से नीचे गिरे, बाबा जो अष्टदेव है 2017-18 में प्रत्यक्ष हो गए, और फिर 10 साल के बाद 28 में जो 100 लोग है वो प्रत्यक्ष होते, 100 लोग बना बचे हुए 100 लोग है ना, 108 वो 10 साल में प्रत्यक्ष होते हैं, मतलब 2028 तक, तो वो जो 100 लोग है उनकी इस्लाम धर्म में माला के रूप में पूजा करते हैं क्या, माला शिव बाबा के गले की जो माला बनती है वो कितने लोगों की होती है, हैं? विश्वास बाबा की जो तमन्ना है जो पूरी करेंगे वही तो गले का हार बनेंगे, बाहों में भर के गले में डाल लिया जाता है, प्रैक्टिकल में डालते हैं ना, तो जो दिल से डाले जाते हैं वो दिल में माला चिपक गई ना, वो कौन होंगे जो बाबा की तमन्ना पूरी करने वाले होंगे या जो तमन्ना पूरी नहीं कर पाते, राजा बने ही नहीं पाते, राजयोग को सिद्ध ही नहीं कर पाते, 108 की जगह 16,000 की लिस्ट में चले जाते, उनको तमन्ना पूरी होने वाला कहेंगे, किसको कहेंगे, हाँ 108 को कहेंगे, 108 के लिए बोला है तुमको, तुम किससे बोला जाएगा, हाँ वो सन्मुख होने वाले बच्चे हैं, विमुख होने वाले बच्चे नहीं है, उन बच्चों से बोला है, क्या बोला, 40 वर्ष से 50 वर्ष लगते हैं तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने में, तो 18 या 17 से लेकर के 27-28 का टाइम सतो प्रधान बनने का है या उससे पहले का है, अरे उससे पहले का सतो प्रधान, अभी सतो प्रधान बन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, अरे जो भी पुरुषार्थी बैठे हैं वो एडवांस ज्ञान में आने के बाद सतो प्रधान से सतो सामान्य रजो और तमो में आ रहे हैं या तमो प्रधान से रजो प्रधान और सतो प्रधान की ओर पड़ गए हैं, एडवांस में आने के बाद ये सब बातें मालूम है, देखे भी सब मालूम नहीं था, तुम गधों की बात क्यों करते हो, गधों से तुम्हारा क्या लगाओ, अपनी जाति का तो पहले देख लो, अरे अपनी जाति की पहले बात सोचना चाहिए या दूसरों की सोचना चाहिए, तो अपनी जाति का पहले उद्धार करो ना, बात साथ है तो सतोकता नहीं रहेगी, फिर वही बात साथ है बुद्धि वगैरह खाका खोल के देखो साथ है कि कोई और साथी बन जाते हैं,
अरे सच्ची सच्ची बता दो ना, पूछा जा रहा प्रश्न कर रहे हैं तो प्रश्न का प्रश्नोत्तर भी तो दिया जाता है। बात बात है, ऊँचे कर रहे जिन से सच्चा सच्चा बोलोगे तो आगे बढ़ जाओगे और झूठा बोला तो क्या होगा। सभा में बोल रहे हो सच्ची सच्ची बात बोल देने में क्या है। अभी शूटिंग पीरियड में जो भी आत्मा एडवांस में आ गई है पुरानी है तो ज्यादा अनुभव कर लिया होगा, नीचे जा रही है या ऊपर चढ़ रही है। तो फिर ये एक बैठा हुआ, हमको बाप मिल गया, हमारा बाप काटी है, हम बाप के साथ बैठ करके सेवा करते हैं 24 घंटे। बाबा वो नशा तो बढ़ते जाता है ना। चलती कला तेरे बहाने सर्व का भला, कैसे पता चलेगा चलती कला है? कोई प्रूफ होता है चलती कला का? क्या प्रूफ होता है, है? हाँ चलती कला का प्रूफ ही है सदा सेवा में लगा रहना, जागते सोते उठते बैठते चलते फिरते, सेवा के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर सेवाधारी है लगातार तो बाप के साथ है, बाप किनको याद करता है, सेवाधारी हो तो कह देने से थोड़ा ही हो जाएगा। और मंत्र सेवा तो करते हाँ टीवी का मरीज है मरने वाला है कल, और वो कहे कि हम खेत में खुदाई कर सकते हैं। अरे कहे वो जो हम बात पूछ रहे हैं उसका जवाब दो। टीवी का मरीज है, डॉक्टर ने कह दिया कल बढ़ जाएगा, इतनी टीवी बढ़ गई, वजन कम हो गया, खींचिया पहलवान बन गया, और वो कहे हम कल खेत की खुदाई करेंगे, 1 बीघा जरूर खुदाई करेंगे। तो संभव है नहीं। तो तुम क्या पूछ रहे फिर से रिपीट करो। मनसा पावरफुल होगी तो मनसा सेवा करेंगे, शरीर पावरफुल होगा तो खेत की खुदाई करेंगे, या लुन्नु पुन्नु शरीर है बीमारी में खलास होने वाला है तब शरीर से सेवा कर लेंगे। जिसकी आत्मिक पावर अच्छी होगी तो कोई शरीर का लेना देना नहीं, कोई वो एक ही बात, महात्मिक माने मन की पावर, बुद्धि की पावर, आत्मा मन बुद्धि को ही कहा जाता है, शरीर को नहीं कहा जाता है। तो मन बुद्धि अगर पावरफुल है तो मन का सेवा करो, खूब करो, बैठे रहो शंकर जी बन जाओ, शंकर जी भी बैठे हुए है ना, शंकर जी को कोई कर्म करते हुए दिखाते हैं भक्ति मार्ग में या दौड़ते हुए दिखाते हैं, है? खेत में कसी चलाते हुए दिखाते हैं नहीं, बैठे हुए हैं। तो बैठे बैठे वो बेकार बैठे हैं या कुछ कर रहे हैं, है? वो तो बैठे हुए हैं, है? अरे सार्थक बैठे हुए हैं या निरर्थक बैठे हुए हैं, सार्थक बैठे हुए हैं, वो मनसा सेवा कर रहे हैं। मनसा पावरफुल है तो मनसा सेवा कर सकेंगे, मनसा है लुन्यम पुन्यम, आ गया शिकार सामने, कोई है नहीं चारों तरफ और कूद पड़े और शिकार काट पीट के खा लिया, तो मनसा पावरफुल है। शरीर पावर बोले, शरीर भी कर्मेंद्रिया पावर बोले, है? कर्मेंद्रिया पावर बोले, मनसा तो पावरफुल नहीं हुई। और हाँ जी हाँ, सूर्यवंशी सबसे ज्यादा पतित बनते हैं। हाँ कि जटिल पतित आत्मा उनमें प्रवेश कर न चाहते हुए भी कर्म करा दिए, प्रवेश करके न चाहते हुए विकर्म करा दिए,
गधा बकरी को जटिल कहेंगे या जल्दी परिवर्तित होने वाला कहेंगे? है तो गधा बुद्धियों में उनकी जाति जाति होगी कि नहीं? अभी कोई गधा बुद्धियों वाली की जाति है या नहीं है? है ना, उनमें अब्बल नंबर कौन है? अरे गधा बुद्धियों में कोई अब्बल नंबर होगा कि नहीं होगा? है जोर से बोलो ना, चेहरों से भर जाए फेर दे रहे ब्रह्मवाणियों में डर नहीं है। तो आज मुरली ने किसको बोला जटिल बुद्धि? हाँ, जटिल बुद्धि आत्मा भी प्रवेश कर सकती है। किन में प्रवेश करेगी? अरे जो उनको चेंज कर सके वो तुम्हें प्रवेश करेगी या दूसरी जाति में प्रवेश करेगी? जो उनको चेंज कर सके उसी में प्रवेश करेगी। ओम शांति।